नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईसीटी मीडिया न्यूज। मैं पवन कुमार राठौर। दोस्तों, हरियाणा के गृह मंत्री श्री अनिल विज, प्रदेश प्रेस प्रवक्ता सूरजपाल अम्मू के भाई श्याम पाल राघव के देहांत पर श्रद्धांजलि देने सोहना पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और दिवंगत आत्मा को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आपको ये बता दें कि बीते 4 मई को श्याम पाल राघव का हृदय गति रुकने से देहांत हो गया था। इस मौके पर गृह मंत्री अनिल विज ने पत्रकार वार्ता में कहा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए देश की जनता को आत्मनिर्भर बनने के लिए एक बूस्टर डोज दी है। यह बूस्टर डोज रिक्शे वाले को भी आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगी। माननीय प्रधानमंत्री ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राहत पैकेज देने के लिए घोषणा की है। उन्होंने बताया, हमें किसी भी तरफ से देखने की आवश्यकता नहीं है, हम दूसरों पर निर्भर ना रहें, इसलिए हम स्वदेशी निर्मित वस्तु पर जोर दें। उन्होंने लोकल वोकल पर जोर देने के लिए जनता से अपील की है तथा ये भी कहा कि हरियाणा के हर व्यक्ति को राहत देने के लिए हम योजना बना रहे हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए हमें सरकार सहयोग कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि इस कोरोना जैसी महामारी में हमें इसके लिए कानून भी बनाना होगा। सोहना से भगवान सिंह की रिपोर्ट। जो भी राहत मिलेगी, किसी इंडस्ट्री को मिलेगी, किसी कुटीर उद्योग को मिलेगी, किसी रेहड़ी वाले को मिलेगी, किसी छोटा काम करने वाले को मिलेगी, मिलेगी तो आम आदमी को। सब प्रवासी मजदूरों के लिए कोई योजना है, जिस तरह बार बार जो बातें उठती है? प्रवासी मजदूरों के लिए तो पहले से ही सरकारें सारी गतिशील हैं और सभी सरकारें उसमें सहयोग कर रही हैं प्रवासी मजदूरों।